भारत का चंद्रयान 3 लगातार चांद के और करीब पहुंचता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। बेंगलुरु के ISTRAC के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से चंद्रयान 3 की निगरानी की जा रही है। जानकारी के अनुसार फिलहाल स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 ठीक कंडीशन में है और ठीक तरीके से काम भी कर रहा है, एक के बाद एक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट और सफल लैंडिंग कर सकता है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। हालांकि लैंडिंग से पहले कई जरूरी काम इसरो द्वारा किए जा रहे हैं ताकि इस मून मिशन में किसी भी तरह की बाधा ना आए। इसरो के वैज्ञानिक इस महत्वपूर्ण मून मिशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। चंद्रयान 3 की हर बड़ी गतिविधि के बारे में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपडेट देता रहता है। इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश से पहले लूनर ऑर्बिट ट्रैफिक यानी चांद के चारों ओर मौजूद ट्रैफिक का विश्लेषण किया है। बताया जा रहा है कि ये एनालिसिस आने वाले वर्षों के लिए भी किया गया है। बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश से पहले लूनर ऑर्बिट ट्रैफिक यानी चांद के चारों ओर मौजूद ट्रैफिक का विश्लेषण किया है। बताया जा रहा है कि ये एनालिसिस आने वाले कई वर्षों के लिए भी किया गया है। लूनर ऑर्बिट ट्रैफिक का विश्लेषण क्यों है जरूरी? जिस तरह सड़कों पर ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है ताकि गाड़ियों के बीच टकराव ना हो, उसी तरह चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले चांद के आसपास मौजूद ट्रैफिक का विश्लेषण करना और पहले से लूनर ऑर्बिट पर मौजूद स्पेसक्राफ्ट या डिब्रीज से चंद्रयान 3 को बचाना बहुत जरूरी है। ये काम इसरो के लिए चुनौतीपूर्ण है। दरअसल साल 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने 31 जुलाई 2019 को मून की ऑर्बिट में प्रवेश किया था। जानकारी के अनुसार 3 बार उसका और अन्य अंतरिक्ष यानों का टकराव होने से बचा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान का OUNA जो कि साल 2009 में लूनर ऑर्बिट में आया था और साल 2008 में चांद की कक्षा में आया चंद्रयान 1 जिन्हें अब स्पेस जंक माना जाता है, ये भी स्पेस में मौजूद है। इसके अलावा फिलहाल 6 एक्टिव लूनर ऑर्बिटर्स हैं जिनमें से 2 नासा के थीमिस मिशन के हैं, एक नासा का LRO और एक नासा का ही NRHO है। इनके अलावा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर और एक कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर है। रूस का लूना 25 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच चांद पर लैंडिंग कर सकता है। ऐसे में तमाम स्पेस एजेंसियों द्वारा स्पेस ट्रैफिक का विश्लेषण कर स्पेस क्राफ्ट के चांद की लो लूनर ऑर्बिट में टकराव को रोके जाने की कोशिश की जाती है। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल आने वाले कई वर्षों तक लो लूनर ऑर्बिट में 150 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर घूमते हुए चांद के चक्कर लगाएगा। वहीं ज्यादातर लूनर लैंडर्स कुछ दिनों या हफ्तों तक लैंडिंग से पहले LLO में रहते हैं। ऐसे में इसरो के सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से एनालिसिस किया जाता है और संभावित खतरों को टालने की कोशिश की जाती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटर एजेंसी स्पेस डिब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी IADC जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में मौजूद मलबे से जुड़ी सूचना का आदान प्रदान करना है, इसरो इससे भी जुड़ा हुआ है। बहरहाल हर चुनौती का सामना करते हुए चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग की उम्मीद की जा रही है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।